हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी और बात करते हैं टीवी सीरियल। ये है चाहते के आज रात के एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा एपिसोड की, जो मिनिस्टर है वो काश्वी को अनकंफर्टेबल फील कराता है। आदित्य वहाँ आता है, गेस्ट से कहता है कि मिनिस्टर जी को हमने एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया है। मिनिस्टर तारीफ करता है काश्वी आदित्य की। वो कहता है अपने ट्रेनीज को कि आपको काश्वी आदित्य से इंस्पायर होना चाहिए। वो देखता है कि काश्वी आदित्य से बात कर रही है, तभी वो काश्वी के साड़ी पर जानबूझ कर जूस गिरा देता है। वो ऐसे प्रटेंड करता है कि गलती से हुआ। काश्वी अंदर जाती है अपनी साड़ी ठीक करने। आदित्य यहाँ मिनिस्टर से कहता है कि कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? मिनिस्टर कहते हैं जी। तभी वह सोचते हैं कि काश्वी ज़रूर वॉशरूम गई होगी और वो भी अंदर जाते हैं। अर्जुन सोचता है कि मिनिस्टर एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा, वो भी अंदर जाता है। अर्जुन यहाँ काश्वी को अंदर खींच लेता है इससे पहले कि मिनिस्टर उसे देख पाए। मिनिस्टर सोचता है कि शायद काश्वी चली गई है और वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करेगा अगर किसी ने उसे लेडीज़ वॉशरूम में देख लिया तो वहाँ से चला जाता है। काश्वी अर्जुन से कहती है ये सब क्या है। अर्जुन कहता है काश्वी से कि मैंने तुम्हें उस मिनिस्टर से बचाया है, आई नो कि मिनिस्टर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तभी वो कहती है लेकिन तुम दूसरों को जज नहीं कर सकते। वो कहती है अर्जुन से कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे कोई नहीं हो। तभी वो रिमाइंड कराती है कि वो जो मिनिस्टर है वो हमारे सीनियर हैं और वो उसे वॉर्न करती है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहो। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो, और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे दिल में नहीं जाना है दोबारा और तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। वो कहता है अर्जुन यहाँ पर कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो उसको बहुत टाइट पकड़ता है और काश्वी कहती है छोड़ो मुझे। वो कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। काश्वी कहती है कि तुम मुझे छोड़ो और सिर्फ तुम मुझे यहाँ पर नहीं रख सकते हो और छोड़ो, मुझे अपनी साड़ी ठीक करनी है। तभी वो कहता है कि राव मैं कर देता हूँ। वो कहती है तुम नहीं कर सकते। अर्जुन कहता है कि अगर तुम मुझे अलाउ करो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब तुम आदित्य को अपनी साड़ी ड्रेप करने के लिए अलाउ कर सकती हो शॉप में तो मुझे क्यों नहीं। वो कहता है यहाँ पर कि सिर्फ मुझे ही इसका हक है, समझी। और वो शॉक हो जाती है ये सुनकर। यहाँ पर वो उसकी साड़ी एडजस्ट करता है और वो कहती है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है स्पेशली मेरे साथ। तभी वो रिमाइंड कराती है कि तुमने मुझे चीट किया था। और वो कहती है कि मैं जो चाहूँ अपनी लाइफ में कर सकती हूँ। उसे वॉर्न करती है कि तुम मुझसे दूर रहो और लाइट चली जाती है। अर्जुन काश्वी से कहता है डरो मत। आदित्य वेटर से कहता है कि कैंडल्स अरेंज करो। महिमा आदित्य से कहती है कि हमें जाना चाहिए काश्वी को देखने, आकर वो कहाँ गई। तभी वो कहती है कि मैं भी अर्जुन को ढूंढने चलती हूँ। आदित्य अंदर जाते हैं काश्वी को ढूंढने और इधर जो महिमा है वो भी अर्जुन को ढूंढने जाती है। आदित्य वेटर से कहता है कि क्या तुमने महिमा मैडम को देखा या काश्मीर वाले को। इधर अर्जुन काश्मीर से कहता है कि आई नो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है और मैं इस बात से जानता हूँ तुम्हें। काश्मीर से टाइटली हक कर लेती है डर के मारे और वो स्माइल करता है। तभी वो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी तो अर्जुन को डांटा था। तभी वो कहता है यहाँ से कि चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कोई यहाँ आ जाएगा इससे पहले कि उन्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। आदित्य देखता है काश्वी को वॉशरूम में। महिमा काश्वी की आवाज़ सुनती है और कमरे में घुसती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि न जाने अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है इन दोनों की बनती बनती केमिस्ट्री पर। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।